गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड के द मैजिक गार्डन लेसन की। मैं पेरेंट्स से भी बात करूंगा कि बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे चैनल में ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, मैं देखता हूं, लेकिन हमारा यहां पर जो मेन फोकस वो ये है कि हम प्रत्येक वर्ड को कवर करते हुए चलेंगे। ये हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम वर्ड को हम जो है उसके मीनिंग समेत जो है उसको कवर कर सकें, जिससे क्या होगा कि आने वाले लेसन, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आने वाले जो आगे जो लेसन है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैजिक गार्डन, एक जादुई बगीचा। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। द मैजिक गार्डन, जो जादुई जो गार्डन बगीचा वॉज था, इन में अ स्कूल का प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में, एक जादुई बगीचा कहाँ था, स्कूल के प्लेग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रीटी, यह इट यह वॉज था वेरी बहुत प्रीटी सुंदर, यह बहुत ज़्यादा सुंदर था। सनफ्लावर एंड रोज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। सनफ्लावर एंड रोज, जो ये फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर रोज स्टूड, खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, हाई अगेंस्ट द वॉल, बहुत ऊंचे खड़े हैं और बिल्कुल दीवार के साथ जो है वो लग के खड़े हैं, दीवार के अगेंस्ट जो है वो खड़े हैं। देयर वर ऑल्सो मैरी गोल्ड पपीज एंड पेंसीज, और वहाँ और भी फूल हैं, और भी फूल थे। देयर वहाँ वर थे, ऑल्सो भी, कौन से, मैरी गोल्ड थे, पपीज थे एंड पेंसी थे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है, अब द सन साइन फेल ऑन द गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस एंड संग हैप्पीली। द सनफ्लावर फेल ऑन द गार्डन, जो सूरज की जो रोशनी है, चमक है, वो फैल गिरी हुई है, फैली हुई है, कहाँ, ऑन दिस गार्डन, इस बगीचे में, मोर देन, बहुत ज़्यादा, ऑन एनी अदर, किसी भी और चीज़ से, एंड द फ्लावर डांस, और जो फूल हैं वो डांस कर रहे हैं, एंड संग हैप्पी, और बहुत खुश होकर गा रहे हैं। ठीक है, दे सेड टू वन अनदर, वे सेड कहते हैं टू वन अनदर, एक दूसरे से, अनदर दूसरे से। ठीक, वी हैव हंड्रेड ऑफ लिटिल गार्डनर्स, वी हैव हमारे पास हंड्रेड ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास 100 से भी ज़्यादा क्या हैं, लिटिल, छोटे छोटे गार्डनर, माली, हमारे पास छोटे छोटे क्या हैं, हंड्रेड्स क्या हैं, वो गार्डनर हैं। तो हंड्रेड्स गार्डनर जो, वो किसको बोल रही है, दे वर द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल, और वे कौन थे, वो चिल्ड्रन थे फ्रॉम द स्कूल, स्कूल के बच्चे थे। ठीक है, जिनको वो बगीचे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे माली हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए, वन सनी मॉर्निंग, एक जो है सनी मॉर्निंग मतलब जब बहुत अच्छी धूप खिली हुई होती है, सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द वर्ड्स, फ्लावर्स, फूल जो है वो टॉकिंग, बात कर रहे, वर थे टू द वर्ड्स। एक सुबह सूरज जो है, एक सुबह फ्लावर्स जो है वो क्या कर रहे थे, पक्षियों से बात कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं प्यार करता हूँ ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों से, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, बट लेकिन आई लव, मैं प्यार करता हूँ द डियर लिटिल वन, किसी एक बहुत अच्छे बच्चे से, मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ ऑल, उन सभी में से एक बच्चा ऐसा है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लाइक देम, मैं उसे पसंद करता हूँ, या आई लाइक देम, मैं उनको पसंद करता हूँ, टू ब्रिंग डियर वाटरिंग, कि वो क्या लाते हैं, वाटरिंग कैन, पानी किसके लिए, एंड वाटर माई थर्स्टी रूट, मेरे जो प्यासे जो जड़ हैं उनको पानी देने के लिए वो क्या लाते हैं, वाटरिंग कैन लाते हैं, जिसमें वो पानी भर के लाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद, यस सेड द मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड ने कहा हाँ ठीक है, द बॉय आर गुड, बच्चे क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, टू अस, टू, बहुत ज़्यादा जो है अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, दे डिग, वे क्या करते हैं, खोदते हैं ग्राउंड को बहुत अच्छे से, सो वेल, ठीक। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम प्यार करते हैं लिटिल चिल्ड्रन, उन छोटे बच्चों को, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम प्यार करते हैं
छोटे बच्चों को, सेड अ टिनी बर्ड, एक छोटी सी टिनी मतलब होता है छोटी सी बर्ड, चिड़िया ने कहा, दे आर काइंड, वे आर हैं काइंड दयालु, एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और वे ब्रिंग लाते हैं ब्रेड फॉर अस, वे हमारे लिए क्या लाते हैं, ब्रेड लाते हैं या रोटी लाते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड, सभी फ्लावर्स कहते हैं या सभी फ्लावर्स ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें मस्ट मतलब होता है कि करना है, एक फोर्सफुली बोला गया है कि वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें जो है वर्क हार्ड करना है, बहुत कठिन परिश्रम करना है, किस लिए, टू मेक आर ड्रेसेस वर प्रीटी, कि जिससे मेक बना सकें अवर, हमारी ड्रेस जो हमारे कपड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा सुंदर, हमें अभी वर्क बहुत कठिन परिश्रम करना है अपनी ड्रेस को बहुत सुंदर दिखाने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए, विल बी हियर वेरी सून, जो बहुत जल्दी यहाँ पर होंगे, सून मतलब होता है बहुत जल्दी, ठीक है, जो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। द सन सेड, सूरज ने अब क्या कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करता या मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, किसके लिए, फॉर नथिंग प्लीज मी, मुझे इसी से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि टू सी द चिल्ड्रन, बच्चों को देखकर, रनिंग जो दौड़ते हैं, अबाउट द गोल्डन गार्डन, गोल्डन सनशाइन, मेरी जो सूरज की जो मेरी किरणें हैं, चमचमाती हुई किरणें हैं, उनमें जो बच्चे जो खेलते हैं उनको देखकर ही मुझे जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट, अचानक, सडनली अचानक द चिल्ड्रन, बच्चे केम आए आउट बाहर, लाफिंग एंड सिंगिंग, लाफिंग जो हंस रहे थे, गा रहे थे, एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड, और फूल जो है वो स्टॉप्ड, चुप हो गए या रुक गए, डियर सॉन्ग, उन्होंने अपना गाना गाना स्टॉप किया, रोका, टू लिसन टू देम, उनको सुनने के लिए, किनको सुनने के लिए, बच्चों को सुनने के लिए, लिसन मीन्स होता है सुनना। ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर, अरे देखो उस बहुत लंबे सनफ्लावर को देखो, सेट वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा, एंड द सनफ्लावर, और जो सूरजमुखी है, सनफ्लावर है, लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, उसने अपना हेड जो है वो प्राउडली मतलब गर्व से उसने लिफ्टेड मतलब उठाया कि बच्चों ने मेरी तारीफ की, इसके लिए उसने अपना क्या हुआ, अपना हेड जो है क्या किया, वो गर्व से उठाया। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरीगोल्ड, मैं, मुझे जो है मैरीगोल्ड बहुत पसंद है, इन द गोल्डन ड्रेस, उसकी जो ड्रेस है वो सुनहरी है, आप जानते हो कि मैरीगोल्ड किस कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, येलो कलर का दिखाई देता है, गोल्डन कलर का, तो इसलिए वो बच्चा कह रहा है कि मुझे जो है मैरीगोल्ड बहुत अच्छा लगता है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पी, और मैरीगोल्ड जो है वो खुशी से उसने स्माइल की। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, यह क्या था, एक मैजिक गार्डन था, जादुई गार्डन था, बिकॉज इट हैड फेरीज टू, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, इट हैड फेरीज मतलब परियाँ भी थी, यहाँ पर क्या थी, परियाँ थी, ठीक है, परियाँ भी थी। दे डांस, वे डांस करती हैं, एंड संग गाना गाती हैं, स्वीट सॉन्ग बहुत मीठा मीठा, विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, जिसे, विच जिसे ओनली सिर्फ चिल्ड्रन बच्चे कुड हियर सुन सकें, जिसे सिर्फ बच्चे सुन सकें, ऐसा गाना परियाँ गाती हैं। आफ्टर अ टाइम, कुछ समय बाद, द फेरीज केम आउट, परियां बाहर आती हैं, डांसिंग डांस कर रही हैं, टॉक्ड बात करती हैं, विद द चिल्ड्रन बच्चों के साथ, विद मतलब साथ, द चिल्ड्रन बच्चों के साथ, डियर ड्रेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, डियर ड्रेस उनकी जो ड्रेस है वो वर थी, मेड बनी हुई थी, किससे, फ्लावर्स फूलों से बनी हुई थी, एंड डियर विंग ऑफ सनशाइन, और उनकी जो विंग थे वो क्या हो रहे थे, सूरज की रोशनी में क्या हो रहे थे, चमक रहे थे, ठीक है, या वो सूरज की रोशनी के में के बने हुए थे, देयर विंग ऑफ सनशाइन। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, मैजिक गार्डन उस रात, क्वाइट मीन्स होता है बहुत शांत था, दैट नाइट उस रात, द फ्लावर्स एंड बर्ड्स, और जो फूल हैं और जो पक्षियाँ हैं, वर थे असलीप सो गए थे, एंड ड्रीमिंग और वो सपना देख रहे थे, ऑफ द नेक्स्ट डे अगले दिन का, ठीक, वैन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब जो है वो बच्चे जो है दोबारा यहाँ पे आएंगे तो उन्हें मतलब अगले दिन का वो जो है सपना जो है वो देख रहे थे, ठीक। तो ये देखिए, ये फेरीज हैं और ये बच्चों के साथ खेल रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको,
इसके अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। व्हाई, क्यों फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन, तो फूल जो है वे बच्चों को क्यों पसंद करते या उन्होंने बच्चों को क्यों पसंद किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बिकॉज दे ब्रिंग वाटरिंग कैन एंड वाटर फॉर दियर थर्स्टी रूट। ठीक, वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे क्या ला रहे थे उनके लिए, वाटरिंग कैन से वाटर ला रहे थे उनके थर्स्टी प्यासे जो है जड़ों के लिए, इसलिए जो है वो फूल उनको पसंद, फूलों को जो है बच्चे पसंद थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। अब पक्षियां क्यों बच्चों को प्रेम करती थी, क्यों करती थी, हमने पढ़ाया था कि वो उनके लिए क्या लाते थे, ब्रेड लाते थे, बिकॉज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम, दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, नेम द फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। कह रहा है कि नेम द फाइव फ्लावर्स, पांच फूलों के नाम लिखो। ठीक है, पांच फूलों के नाम लिखो जो मैजिक गार्डन में जो है वो मैजिक गार्डन में थे। तो कौन कौन से थे उसमें, मैजिक गार्डन में कौन कौन से फूल थे, मैरीगोल्ड, रोज, पपीज, ठीक है, पेंसीज। ठीक है, तो ये क्या थे वहाँ पे, और रोजेज, तो ये जो है फ्लावर्स वहाँ पे थे। ठीक है, और इसके लिए अगर आप लेसन में देखोगे तो लेसन में स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि मैरीगोल्ड थे, पपीज थे, पेंसीज थे। ठीक है, तो और भी यहाँ पे, तो जो आप इसमें जो पिक देखोगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप पिक देखोगे तो रोजेज भी हैं वहाँ पे। ठीक है, रोजेज हैं, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आप चेक करो, देखो कि उनमें से कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिन्हें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक, तो उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन। अब क्या, कौन सा साउंड बच्चों को गार्डन में सुनाई देता था। ठीक है, व्हाट साउंड, क्या कौन सा साउंड बच्चों को वहां पे सुनाई देता था। तो चिल्ड्रन कुड हियर स्वीट सॉन्ग ऑफ द फेरीज इन द गार्डन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें टॉक टाइम लिखा है, तो ये खाली आपने बात करनी है, आई लाइक रोज, मोस्ट रोज एंड रेड, सम आर वाइट, सम आर येलो, आर दियर ब्लू रोज, आई हैव नॉट सीन ओनली ब्लू रोज, कह रहा है मैंने ब्लू रोज नहीं देखा। चलिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद आगे से अलाउड, ये फिर आपने बोलना है लिटिल हैप्पली, स्लिपरी पीपल, स्लीपली थ्रस्टी, पर्पल, प्राउडली, प्रीटी, ये आपने बोलना सीखना है। जितनी जल्दी आप इनको, इन वर्डों का प्रोनंसिएशन करोगे उतनी आपकी जो है इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग में आपने यहाँ पर ये कुछ बने हुए हैं, ये कह रहा है कि नेम टू वर्ड इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन। कह रहा है कि ये जो इसने अलग अलग ये बना रखे हैं जिसमें इंसर्ट है, फ्लावर है, ट्री है, तो क्या आप ऐसी चीज़ें हैं जो आप गार्डन में देखते हो। ठीक है, तो आपने देखने हैं। ठीक है, जैसे ट्री आपने देख लिया कि आप क्या, कौन से ट्री आप उसमें देखते हो। ठीक है, तो आप जैसे आप कई बार क्या देखते हो, मैंगो का ट्री होता है। ठीक है, बनियान ट्री हो गया, या फिर कोई जो भी आपको ट्री आपके जो भी आप बगीचे में देखते हो वो आप इसमें लिख सकते हो। इंसेक्ट, कीड़े, अब बहुत सारे कीड़े होते हैं जैसे स्पाइडर, मकड़ी हो गई, और क्या देखते हो आप, बटरफ्लाई देखते हो, और क्या देखते हो, ग्रास हूफर देखते हो, तो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, वो आपने अपने हिसाब देखना है, खुद लिखने हैं। फ्लावर्स कौन कौन से हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, खुद लिखेंगे। टूल्स में क्या आ गया, टूल्स में ऐसे हैमर होता है, हथौड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है टूल्स में, हो फावड़ा जिसको बोल कुदाल जिसको बोलते हैं, स्पैड, ठीक है, SPADE, फावड़ा जिसको बोलते हैं, तो ये सारे उसमें काम आते हैं। बर्ड्स कौन कौन सी आप पक्षियाँ उसमें आपने देखी हैं वो आप यहाँ पर अपने मन से लिखोगे। ठीक है, बात करेंगे कि जो हमने इस लेसन में वर्ड्स, मैंने बेसिकली पहले ही आपको पहले बता दिया था कि हम लोग वर्ड्स पे विशेष फोकस करेंगे जिससे आने वाले लेसन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो वर्ड्स मीनिंग में जो मीनिंग मैंने इसमें आपको पढ़ा रखे हैं बस वही मैंने दे रखे हैं जिसके आंसर आपने स्वयं चेक करने हैं, अपनी कॉपी में लिखना है। अगर हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझे बता सकते हैं कि आप
कितना अच्छे तरीके से जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप उसे सीख पा रहे हैं। तो देखिए, वर्ड्स मीनिंग में आपने देखना है कि मैजिक, गार्डन, प्लेग्राउंड, सनशाइन, गोल्डन, ड्रीम, इंडीड, फेरीज, असली, क्वाइट, अगेन, लिटिल, टिन्नी, काइंड, सून, सडनली, बेटर, लिफ्ट, प्राउड। तो इसके इनके आंसर आपने खुद देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जब अगले दिन मैं नेक्स्ट लेसन डालूंगा तो उसमें मैं सबसे पहले इनके मीनिंग आपको उसमें भी मैं बता दूंगा। और उसके बाद हमने इससे फर्स्ट लेसन में जो हमारी पोएम थी, कौन सी, गुड मॉर्निंग वाली, उसमें भी मैंने कुछ वर्ड्स पूछे थे तो उसके मैंने मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, स्काई आसमान, सन सूरज, विंड हवा, बर्ड पक्षी, ट्री पेड़, ग्रास घास, बी मधुमक्खी, क्रीपिंग धीरे धीरे बढ़ना एक वर्ड आया था, अवे जागना, वाइट पूरी तरह से, अवे दूर। तो ये इस तरीके से हमारी डेली एक्सरसाइज होगी और अगर आप इसे इसी तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी वर्ड जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और जो आने वाले लेसन हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो बहुत आसान भी हैं और जो हर लेसन में कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं मेरा पूरा ध्यान आप पर केंद्रित है कि मैं पर डे आपके लिए इस तरीके की लेसन बनाऊं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो ये तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा।